टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रह चुके युवराज सिंह ने विश्व कप 2019 के दौरान संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया था। दरअसल युवराज भारतीय टीम को दो बार विश्व विजेता बना चुके थे, एक बार साल 2007 T20 विश्व कप में और एक बार साल 2011 वनडे विश्व कप में। इसके बाद युवराज सिंह ने काफ़ी मेहनत की और कैंसर की जंग भी लड़ी, बाद में उन्होंने वापसी भी की और बेहतरीन तरीके से लोगों का दिल भी जीता। लेकिन चयनकर्ताओं और BCCI के साजिश के तहत युवराज सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इस बात का खुलासा खुद युवराज ने किया, जिसके बाद उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। ऐसे में बीती साल IPL में पहले तो उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। युवराज सिंह एक खतरनाक खिलाड़ी है और T20 फॉर्मेट में उनका योगदान एक बेहतरीन योगदान भी माना जाता है, लेकिन युवराज सिंह की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें 1 करोड़ की बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस को खरीदना पड़ा। हालांकि युवराज से जो उम्मीदें थीं, युवराज वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, या यूं कहें कि युवराज सिंह को मौके ही नहीं दिए गए। कहा यह गया कि युवराज सिंह को युवा खिलाड़ियों के लिए बाहर किया गया है और युवराज सिंह युवा खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे, लेकिन इस बार ट्रेडिंग पॉलिसी के तहत युवराज सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया है और मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को रिलीज किया है। ऐसे में खबरें हैं कि युवराज सिंह को इस बार एक बार फिर नीलामी के दौर से गुजरना पड़ेगा। खबरों की माने तो युवराज फिलहाल T10 लीग खेल रहे हैं, जिसमें पहले मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि युवराज सिंह जो एक समय टीम इंडिया की आन बान और शान थे, उनको क्या कोई खरीदार मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। खास बात यह भी है कि युवराज सिंह को लेने के लिए अगर कोई टीम सबसे ज़्यादा इच्छुक होगी तो वो होगी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 6 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स का इतिहास देखा जाए तो वो सफल इसलिए है क्योंकि उनके पास शानदार ऑलराउंडर्स की टोली है, चाहे फिर वो स्पिन ऑलराउंडर्स हों या फिर पेस ऑलराउंडर्स। ऐसे में युवराज सिंह महेंद्र सिंह धोनी की टीम में शामिल हो ही सकते हैं। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, शायद यही वजह है कि धोनी युवराज को टीम में शामिल ज़रूर करना चाहेंगे। इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है युवराज के CSK में आने की, वो ये है कि युवराज सिंह CSK में आने के बाद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरह अंबती रायडू, हरभजन सिंह और केदार जाधव जैसे खिलाड़ियों ने किया, जिन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो क्या युवराज की वापसी धोनी कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि माही क्या यूवी के संकट मोचक बनेंगे IPL में। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।